आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सदा अमर रलो नाम तुम्हारो, चंद्र सिंह गढ़वाली ले जब ते सूर्य चंद्रमा। तारीख 30 अप्रैल, जगह पेशावर किस्सा खानी बाजार। साल था 1930। सामने खड़े थे हजारों की संख्या में भारत के स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेजी सैनिक ने चीख कर गढ़वाल राइफल को आदेश दिए और कहा, गढ़वाली ओपन फायर। अंग्रेजी सैनिक के बगल में खड़े भारत के सच्चे वीर सपूत ने उससे ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, गढ़वाली सीज द फायर। और ये योद्धा, ये भारत का जाबाज सैनिक था चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 24 दिसंबर 1891 को गढ़वाल के थैलीसैंण तहसील के एक सुदूर गांव में जन्मे वीरचंद सिंह पेशावर में तैनात टुकड़ी का हिस्सा थे। बहुत कम पढ़ा लिखा होने और अंग्रेजी फौज में नौकरी करने के बावजूद गढ़वाली स्वतंत्रता आंदोलन की तपिश से खुद को अछूता नहीं रख पाए थे। फौजी होने के बावजूद वे आजादी की गुप्त मीटिंगों में और सम्मेलनों में शिरकत किया करते थे। अप्रैल 1930 में पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खां अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में हजारों लोग सत्याग्रह कर रहे थे। इसे कुचलने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स को तैनात कर दिया। यह भारत के इतिहास का वो दौर था जब सारा देश आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी करने को आतुर हो रहा था। 1857 के गदर के बाद हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना थी जिसमें सैन्य विद्रोह हुआ था। गढ़वाली के इनकार करने के बाद अंग्रेजी अधिकारी पगला गए। उन्होंने सरेआम कत्लेआम के आदेश दे दिए। अंग्रेजी सैनिकों ने सामने खड़े निहत्ते हिंदुस्तानियों पर बर्बरता से गोली चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथी सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ। और उससे पहले अंग्रेजी सेना के अधिकारी ने पूछा वीरचंद गढ़वाली से कि तुमने विद्रोह क्यों किया। जवाब दिया भारत माता के सच्चे सुपुत्र ने, कहा, मैं हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सेना में भर्ती हुआ हूं, न कि भारतीयों पर गोली चलाने के लिए। 23 अप्रैल 1930 के दिन पेशावर में हजारों सत्याग्रही जुलूस निकाल रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार अंग्रेज सिपाही इस भीड़ को चीरता हुआ निकला, जिससे कई लोग घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने सिपाही को दबोच कर पीटा और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। इस घटना से मौके पर मौजूद अंग्रेज अफसरान बेहद घबरा गए। अंग्रेजी अफसरों ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों को किस्सा खानी बाजार के काबुली फाटक पर तैनात कर दिया। कमांडर ने लाउड स्पीकर पर लोगों को घर जाने का आदेश दिया, लेकिन भीड़ की उत्तेजना बेकाबू हो चुकी थी। कमांडर ने अंततः गोली चलाने का ऑर्डर जारी कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, गढ़वाली ओपन फायर। कमांडर के बगल में खड़े एक युवा सैनिक की निर्भीक आवाज आई, गढ़वाली सीज फायर। यह चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिनकी बात मानते हुए 67 सिपाहियों ने अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी। कोर्ट मार्शल के बाद सभी सिपाहियों को सजा हुई। आजीवन कारावास के रूप में सबसे बड़ी सजा चंद्र सिंह को मिली। ४९ में भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत में वीरचंद सिंह गढ़वाली अपनी साम्यवादी सोच के चलते कई बार जेल गए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वीरचंद सिंह गढ़वाली बेहद आर्थिक तंगी से जूझते रहे और आखिरकार इस वीर सपूत ने 1 अक्टूबर 1979 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांसें ली। आज इस वीर जवान की पुण्यतिथि है। आप याद करिए उस बलिदानी को जिसने अपने देश के खातिर, अपने स्वतंत्रता के खातिर, अपने निहत्ते भाइयों के खातिर अंग्रेजी अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया और न केवल अंग्रेजी इतिहास, न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि दुनिया के इतिहास में ये सैनिक विद्रोह के लिए हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो आज भारतीयों के दिलों में जिंदा है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी। सदा अमर रलो ना।